धार जिले की श्री राजेंद्र सूरी सहकारिता संस्था के जमाकर्ताओं को भुगतान की मांग को लेकर कुक्षी के समाज सेवी सोमेश्वर पाटीदार भोपाल के लिए साइकिल यात्रा पर निकले हैं। साइकिल यात्रा का कड़ोतकला पहुंचने पर जमाकर्ता ने हार पहनाकर स्वागत किया। सोमेश्वर पाटीदार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि श्री राजेंद्र सूरी साख सहकारी मर्यादित प्रधान कार्यालय राजगढ़ के समस्त शाखाओं में हजारों जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है, अपनी राशि का वापस प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते साइकिल यात्रा पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस घोटाले से अवगत कराने के साथ ही आर्थिक मदद की गुहार लगाएंगे। श्री राजेंद्र सूरी साख संस्था बैंक राजगढ़ की समस्त शाखाओं में जमाकर्ताओं का पैसा अब तक फंसा हुआ है। लंबे समय से चक्कर लगा रहे थे, उसके बाद परेशान होकर लोगों ने प्रकरण भी दर्ज कराए, ज्ञापन भी दिए, सब कुछ प्रयास हर तरह से किया। और अभी पिछले दिनों महामारी की वजह से काफ़ी लोग प्रभावित हुए, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और उससे प्रभावित लोग मुझसे आकर मिले थे, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। तो मैं सभी शाखाओं से होते हुए कुक्षी से भोपाल साइकिल यात्रा पर हूँ। भोपाल पहुँचकर मुख्यमंत्री जी से इस पूरे बैंक के घोटाले से अवगत कराते हुए मांग करूँगा कि महामारी के इस दौर में इन जमाकर्ताओं को सरकारी खजाने से तत्काल राहत देकर, राशि देकर राहत दे, और जो शासन की प्रक्रिया चल रही है, कार्रवाई चल रही है, उसे भी शीघ्र पूर्ण करें और वसूली करते रहें। आप जो यात्रा कर रहे हैं जी, ये किसी के उद्देश्य के माध्यम से या अपने मन में? मुझसे जो संबंधित जो लोग थे, इससे प्रभावित लोग थे जी, जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए या अपने सुरक्षित भविष्य के लिए, बच्चों की शादी ब्याह के लिए पैसा रखा था, जमा किया था, अब उन लोगों के सामने इस तरह अगर पैसा फंस जाता है तो बड़ी चिंता का विषय उनके सामने खड़ा हो जाता है। और उनकी समस्या सुनी और उसके बाद मैंने ये सोचा कि हमें इस मामले को इस तरह से उठाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से पूरे मामले को अवगत कराना चाहिए और शीघ्र इन लोगों को राहत देते हुए तत्काल सरकारी खजाने से इन्हें पैसा दें। आपका नाम? सोमेश्वर पाटीदार। बदनावर से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट।